हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय HBSV वीडियो में तो आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक्चुएटर मोटर है जो उसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो ये देख सकते हो हमारा 3/4 का साइज है और ये 3-way है, 3/4 का 3-way है। तो इसको अभी हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएँगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था। तो ये देख सकते हो हमारा पुराना लगा हुआ है, इसका जो स्प्रिंग है ये लॉक ख़राब हो गया था और ये टूट भी गया था। वाटर लीकेज का कंप्लेन भी था, वाटर लीकेज हो रहा था, जो इसके अंदर का रबड़ है वो ख़राब हो गया था। तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड, हमने एक चाबी बनाया है, आप भी बना सकते हो एक नट के माध्यम से वेल्डिंग से करके। और इससे क्या होता है, हमको ज़्यादा काम नहीं आएगा, नॉर्मल एक शॉर्टकट तरीके में ही हम इसको यूज करके अपना जो स्प्रिंग है अंदर का वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको इसके अंदर डाल के एक होल भी किया है जिसमें इसको ड्राइवर डाल के इसको ईजी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको घुमाना है आराम से, 2-3 बार घुमाएंगे तो ये अपना आप ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको घुमा दिया है 2-3 बार और इसके बाद हम आराम से इसको ईजी अपने हाथ से ही खोल के निकाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फिटिंग्स खोलने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर आपके पास चाबी नहीं रहेगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा, पूरा फिटिंग खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ की मदद से इसको हम घुमाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये पुराना है, जंग खा गया है, पानी में रहता है ना, इसकी वजह से ये जंग खा गया है। तो अब हम इसको हाथ की मदद से ऊपर खींच लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड ये निकल चुका है, कितना रस्टी हो गया है, पुराना कम से कम एक 5-6 साल पुराना है ये मोटर स्प्रिंग इसका। यहाँ देख सकते हो कितना रस्टी है, अंदर से भी ये ट्रैक क्रैक हो गया था, टूट गया था यहाँ पे, इसकी वजह से हमको इसको बदलना पड़ा। तो इस तरह से आप एक एक्टिवेटर मोटर को जो इसका स्प्रिंग है वो चेंज कर सकते हैं ईजी। पूरा सेट का ज़रूरत नहीं है, एक चाबी बनाने का ज़रूरत है, चाबी मार्केट में मिलता भी है और ये हमारे पास नया है। और इसको अभी हम खोलेंगे और इसके अंदर का स्प्रिंग निकाल के अपने जो हमारा जो मशीन के पास में है FCU में उसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा दबाना है, फिर थोड़ा घुमाना है, फिर ये ऊपर आ गया, ये खुल गया। बहुत इजी तरीका है चेंज करने का। और यहाँ पे अभी हम इसको वापस से ही अपना जो चाबी हमने बना के रखा है इसके अंदर डालेंगे और इसको खोलेंगे नए वाले स्प्रिंग को। तो फ्रेंड ये हमारा जो ये जो चाबी है बहुत काम का है, बहुत ही टाइम बचाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप इजी खुल गया है। ये ऊपर का स्प्रिंग का ही ज़रूरत है हमको, बॉडी बहुत कम ही चांस है कि 100 में से 1-2% है कि कभी कभी ख़राब होता है, नहीं तो हमारा बॉडी पुराना ही यूज में ले सकते हैं हम लोग। सिर्फ हमको स्प्रिंग का ही ज़रूरत है, कभी कभी 3-way है, 2-way है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया है, अब इसको हम धीरे से ऊपर खींचेंगे तो आराम से ये बाहर आ जाएगा और फिर हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अभी हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड ये नया है और ये पुराना, कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये पानी में रह के ख़राब हो गया, इसकी वजह से हम लोग अभी इसको नया लगाएंगे। कभी कभी होता है सर्विस में ये ख़राब हो जाता है, बहुत पुराना हो गया है ना, इसके वजह से ख़राब हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देखने को मिलता रहे टेक्निक के बारे में सीखने को। तो अभी हम जो हमारा नया है स्प्रिंग वो इसके अंदर लगाएंगे। पुराना देख सकते हो पूरा ख़राब हो गया है, इसके वजह से हमको ये नया लगाना पड़ा। और नया लगाने के लिए हमने आपको बताया है कि हमारे पास एक चाबी है जिसकी मदद से आप लोग ईजी से खोल सकते हो। ये देख सकते हो फ्रेंड अभी ये हमारा पूरा बॉडी बिल्कुल नया है, इसको हम अपने स्टोर में रखेंगे, कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आया तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको फेंकने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रखेंगे, कभी फ्यूचर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड अभी हम आते हैं अपने FCU के पास और यहाँ पर अपना जो नया वाला स्प्रिंग जो हमने खोला है वो इसके अंदर लगाएँगे। और स्प्रिंग लगाने का भी तरीका बहुत ईजी है, आपको इसके अंदर डालना है और हल्का सा दबाना है, हल्का सा दबाएंगे तो ये ईजी अंदर चला जाएगा। साइज़ बिल्कुल वही रहता है, सेम साइज़ का आता है, थोड़ा सा घुमा के राइट साइड में और इसको अंदर से पुश करना है, देख सकते हो फ्रेंड। और एक चीज़ का आपको ध्यान भी देना है कि थोड़ा अंदर हाथ डाल के चेक भी कर लेना कि कभी कभी स्प्रिंग के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं कभी उसके अंदर ही फंस जाते हैं, तो वो सफाई करके ही नए वाले को यूज करें या नए वाले को टाइट करें। तो यहाँ पे अभी हम इसको चाबी की मदद से वापस से इसको टाइट करेंगे और फिक्स करेंगे,
ये चाबी आप देख सकते हो फ्रेंड, बहुत ही काम की चाबी है। आराम से हमारा 2-3 घंटे का काम 2-3 मिनट में हो गया। तो इस तरह से आप इजी से काम कर सकते हैं। अगर HVAC में आप काम कर रहे हैं तो एक्टिवेटर मोटर है या उसका जो स्प्रिंग है चेंज करना है तो इजी आप चेंज कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर हमारा टेक्निक आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का वेट करेगा। ये हमारा HVAC है, यहाँ पे देख सकते हो अभी हमने स्प्रिंग लगा दिया है, रिप्लेस कर दिया है, और इसको 2-3 बार दबा के भी देखना है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कभी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके अंदर कुछ फंस जाने से स्प्रिंग जाम हो जाता है। तो फ्रेंड अभी हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।